खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। रेप के दोषी फलाहारी महाराज को 20 दिन का मिला पैरोल। छत्तीसगढ़ की युवती से दुष्कर्म के आरोप में हुई थी उम्र कैद। जेल से बाहर आने के बाद कह रहे एकांतवास। 20 लाख के मोबाइल बोरियों में भरकर किए पार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में हुई चोरी। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों को चपेट में ले रही है मौसमी रोग। चिकित्सकों ने हीट वेव से बचने और ज्यादा पानी पीने की दी सलाह। और ज्यादा शराब पीने के बाद ई रिक्शा चालक ने तोड़ा दम। कटी घाटी क्षेत्र का निवासी था मृतक। वहीं पुश्तैनी जमीन के लिए हमले में 5 हुए घायल। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे अलवर के फलाहारी बाबा को हाई कोर्ट से 20 दिन का पैरोल मिला है। वहीं स्थानीय आश्रम के प्रतिनिधि सुदर्शनाचार्य महाराज के अनुसार फलाहारी महाराज स्वस्थ हैं। वे किसी से मिलना और बात करना नहीं चाहते। साथ ही जेल जाने के समय से अब तक फलाहारी महाराज मौन हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और सीधे एकांतवास में चले गए। पैरोल मिली हुई है राजस्थान हाई कोर्ट से। जी, ये शायद 15-20 दिन की है। एक अधिकार के तहत होती है सबको, जो एक सामान्य नागरिक का अधिकार होता है। जेल प्रशासन ने जो उनका आचरण देखा कि इस वृद्धावस्था में अपना मौन रहना, लगभग 15-16 घंटा भगवान का भजन करना, ना किसी से बोलना ना चलना, अपना जो फल है दूध है थोड़ा सा आहार ले लेना, उन सब चीज़ों पर प्रभु का दर्शन करके वो एकांतिक वास में अपना भजन, जो उनका नियम है लगभग 15-16 घंटा वो भजन करते हैं बैठ करके, और उसके बाद शयन और थोड़ा फलाहार लेकर के सो जाते हैं। हमें न्यायालय के द्वारा ये स्वीकृति प्राप्त थी, उनके लिए दूध और फल हम भेजते थे, उसी से आज से नहीं 6.5 साल हो गए मौन ही रहा है। मौन ही रहे हैं। वो किसी से बात वहाँ नहीं करते थे, बस चुपचाप अपना बैठ करके भजन पूजन इसी में अपना मौन है। किसी से भी मुलाकात नहीं, मंदिर में प्रभु का दर्शन करके और वो अपना एकांतिक। आज वहाँ से आने के बाद महाराज जी ने कोई नई इच्छा जाहिर की कि आज मंदिर में मैं इस विशेष पूजा करूंगा या कुछ ऐसी? कुछ भी नहीं, उनके जीवन की कोई इच्छा नहीं है। बस एक ही है, जो कुछ करता है ईश्वर करता है, उसके हर एक कर्म पर मैं उसके सामने नतमस्तक हूँ। अच्छा है बुरा है सब भगवान की इच्छा है। क्योंकि धार्मिक यात्रा को अब तक की तो आप देखते हुए लगता है कि बेल तो मिलेगी, एक ना एक दिन सत्य की जीत होगी। प्रयास मानव का धर्म है और विश्वास है एक ना एक दिन जो भी होगा। हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं तो प्रभु जो कुछ करता है। श्री कृष्ण को भी कारागृह में रहना पड़ा, उनके माता पिता को भी 11 वर्ष रहना पड़ा, तो ये जो भी है भगवान की इच्छा है। उनके आने के बाद शिष्यों ने खुशी जाहिर की हो, एक दूसरे से बताया हो कैसा माहौल बना है उनके आने से, उनके पदार्पण से वापस इधर। जी हाँ, भक्तों के अंदर उत्साह होता ही है, मन में भाव होता ही है। गौरतलब है कि 11 सितंबर 2017 को छत्तीसगढ़ की रहने वाली 21 वर्षीय पीड़िता ने बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 0 FIR दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल करवाया और 164 के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद अलवर के अरावली विहार थाने में मामला दर्ज हुआ था। 15 दिसंबर 2017 को पुलिस ने कोर्ट में 40 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। 8 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली और न्यायालय ने फलाहारी बाबा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से वे अलवर के सेंट्रल जेल में बंद हैं और फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं। कोर्ट ने पैरोल कमेटी द्वारा पैरोल मंजूर नहीं करने के 29 जनवरी के आदेश को रद्द कर दिया।
साथ ही कहा कि 7 साल से जेल में होने और आचरण संतोषजनक होने से याचिकाकर्ता को नियमानुसार पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा की पैरोल संबंधी याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। उनकी ओर से अधिवक्ता विश्राम प्रजापति ने कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ता 7 साल से जेल में है, लेकिन पुलिस अधीक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी के कारण पैरोल कमेटी ने पैरोल आवेदन को निरस्त कर दिया था, जबकि याचिकाकर्ता के संबंध में जेल अधीक्षक और सामाजिक न्याय विभाग की रिपोर्ट संतोषजनक है। उधर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट दी है और वह गंभीर अपराध में सजा काट रहा है। वहीं यदि पैरोल पर रिहा किया गया तो समाज और पीड़िता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट के समीप स्थित मोबाइल शॉप से शातिर करीब 20 लाख के मोबाइल बोरियों में भरकर ले गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी कैद हुई है। दुकान मालिक लाखों रुपए के मोबाइलों की इस चोरी से सदमे में नजर आ रहा है, जबकि इस वारदात ने स्थानीय थाना पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े किए हैं। 9:30 बजे के आसपास हम अपनी दुकान बढ़ा के चले गए थे जी। उसके बाद सुबह जब आके देखा तो हमारा काफ़ी सामान चोरी हो गया था। यहाँ जो मोबाइल रखे हुए थे तो सभी मोबाइल यहाँ से गायब थे। हमारे गले में पैसे थे लगभग 75,000 के आसपास जी, और 44 नए मोबाइल और लगभग 12-15 पुराने मोबाइल जी। और हमारा ही काम चल रहा है शॉप में, तो यहाँ से जो बंडल थे तार के, वो बंडल और कुछ कपड़े, ये सामान चोरी करके और वो लेते गए हैं। ऊपर हमारा ये काम चल रहा है तो ऊपर से चढ़े हैं वो। उसके बाद हमारे वीडियो में रिकॉर्डिंग भी है, उनके सीसीटीवी फुटेज है, फुटेज में वो पट्टे में भर के और सामान लेके चले गए। हमने पुलिस में FIR भी इसकी करी है। या तो एक पुलिस चौकी यहाँ लगवाई जाए या यहाँ गश्त बढ़ाई जाए जी। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है कि प्रशासन अगर समय पर हर घंटे में या आधे घंटे में, भिवाड़ी का दिल है ये मेन बाजार है सेंटर मार्केट, और यहाँ पुलिस की गश्त बहुत कम रहती है जी। तो पुलिस अगर गश्त होती तो आज ये चोरी नहीं होती, ये चोरी पंजाब नहीं दिया जाता। इस तरह से जो चोर हैं उनको के मुँह पे कहीं भी कोई शिशक नहीं दिख रही थी, कोई डर नहीं दिख रहा था, कोई खौफ नहीं दिख रहा था। तो इससे पता लग रहा है कि प्रशासन की लापरवाही से किस तरह से जो अपराधी हैं वो बेखौफ घूम रहे। बदलते मौसम के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इनमें डायरिया और बुखार के मरीजों की संख्या ज्यादा है। वहीं डॉक्टर लू और हीट वेव से खुद को बचाए रखने की सलाह दे रहे हैं। इन दिनों सुबह और रात में मौसम सामान्य है, लेकिन दिन में भीषण गर्मी बीमारियों का सबब बन रही है। कालकुआ सैटेलाइट अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर GS राठौर ने बताया कि अप्रैल, मई और जून में लू का प्रकोप बढ़ जाता है। अत्यधिक गर्मी और उमस विशेष रूप से शिशुओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। वहीं उन्होंने ज्यादा पानी पीने, छाते का प्रयोग करने, घर में बने पेय पदार्थ, लस्सी, नींबू पानी एवं छाछ आदि के उपयोग की सलाह दी है। साथ ही पेट में मरोड़, शरीर में कमजोरी, चक्कर आने और सिर में तेज दर्द जैसे लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही है। वैसे खांसी जुकाम बुखार के तो रूटीन में आते ही हैं, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं उल्टी दस्त के मरीज भी आना शुरू हो गए हैं, जिनकी जो है उचित उपचार की व्यवस्था की गई है। सर कितनी OPD अपनी है? लगभग 600 से 700 आउटडोर रहता है। आसपास जो है सिली स्टेट के आसपास जितने भी गांव हैं, इधर से अकबरपुर से, उमरण से, परिफ्री के काफी मरीज हमारे यहाँ पर आते हैं। अलवर के कटी घाटी क्षेत्र में एक व्यक्ति की अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई। वहीं शव का अरावली विहार थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया है। शहर में कटी घाटी इलाके में सतीश कुमार अपने छोटे भाई 34 वर्षीय राजेंद्र सैनी और माँ के साथ रहता था। राजेंद्र ई रिक्शा चलाने का काम करता था, जबकि सतीश कुमार फॉरेस्ट में मजदूरी करता है। बताया जाता है कि युवक ने गत रात्रि ज्यादा शराब पी ली, इसके बाद बड़ी मात्रा में मक्खन का सेवन कर लिया। तबीयत खराब होने पर उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सरकारी अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान राजेंद्र ने दम तोड़ दिया। राजेंद्र सैनी है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ी कफ सा आने लग गया, फिर अस्पताल ले गए उसको। अस्पताल में मना कर दी, फिर उनको सरकारी अस्पताल में लेके जाओ। सरकारी अस्पताल में आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मुझे इसको तो धड़कन नहीं चली। बस क्या है? 34 साल। नाम? राजेंद्र सैनी। तिजारा थाना क्षेत्र के चावंडी कला गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। इसके चलते एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, इनमें से 2 को गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
पीड़ित सद्दाम हुसैन ने बताया कि उनकी जमीन पर रिश्तेदार कब्जा करना चाहता है, उसके चलते वह ट्रैक्टर लेकर जमीन को जोतने पहुंच गया। जब रोका गया तो फरसी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें एक महिला सहित चार लोग घायल हो गए। मारपीट और विवाद का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर पीड़ित ने तिजारा थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पीड़ित सद्दाम ने यह भी कहा कि उन्होंने इस रिश्तेदार को वर्ष 2016 में 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अब यह परिवार पैसे और जमीन दोनों हथियाना चाहते हैं। सर, ये हमारी पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हुआ है। हमारे दादे ने 2012 में, जो मेरे दो चाचा हैं, इनके नाजायज 12-12 जमीन करा दी नाम, और मेरे पिताजी को दिखा दिया कि मर गया, जबकि मेरे पिताजी आज भी जिंदा है। तहसील में जाके हमको पता चला दोपहर को 12-1 बजे, तो मेरे पिताजी ने तहसील में जाके वहाँ रोड़ा कर दिया, तो उस पर स्टे लग गई। स्टे चली करीब 4 साल, 2016-17 में जब हिसाब हुआ तो इन लोगों ने गलती मानी, कोई ना तुम या हमारे राजीनामा कर दियो, हम तुम्हारी भी 12-20 करवा देंगे। तो ये जिस दिन से सर हमारा लफड़ा चलता आ रहा है, ये हमारे पंचों ने और रिश्तेदारों ने भी करा दिया था, तो अभी हम 6 दिन पहले अथर का और जो आबिद हैं जिन्होंने अब हमको मारा है, इन लोगों ने फ़ोन पे हमको गालियां गलौज करी, जिसकी रिकॉर्डिंग है, धमकियाँ दी। हमारे घर के सामने के गए, लाठी लेकर आए तिजारा से, जो कैमरे में कैद हैं सब, हमारे सरपंच साहब के वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ, उसमें सब दिखाई देगा। परसों भी बात है, 24 तारीख की, बाजार से लाठियाँ ले लेकर आ रहे हैं, और जो कल इन लोगों ने झगड़ा किया है, हमने इनको मना किया था भाई हमारा हिसाब कर दो, आज पंचों में बैठ के सरपंच को लेके रिश्तेदारों को लेके कैसे भी हमारा हिसाब कर दो, लेकिन ये लोग लाठी फरसी डंडे लेके अथर का अस्ताक मुस्तफ़ा आबिद असरी और जूरी नसीब, ये सारे के सारे लाठी डंडे फरसों से लेस होकर ये गांव में रहते हैं सब, और हम गांव के बाहर रहते हैं करीब 1 किलोमीटर फासला, और हमारे घर पे आए, जिसकी पूरे गांव ने मतलब वीडियो बना रखी, उसमें साफ दिखाई दे रहा, हम तो निहत्ते, हमारे पास कुछ है ही ना। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले 70 वर्षीय महिला का शव मिला था। इसकी पहचान हो गई है। मृतका विजयलक्ष्मी सचेती के पुत्र के अनुसार शुक्रवार को पुलिस ने उन्हें यह सूचना दी थी। मृतका का पति जोधपुर में टेक्सटाइल का काम करता है, वहीं वृद्धा कई दिनों से अलवर में रहती थी। कुछ दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। मेरी माताजी का नाम विजयलक्ष्मी संचेती है, वो अलवर में रहती थी राजपूत छात्रावास के पीछे। तो कितने दिनों से अकेली थी या फिर किसी के साथ रहती थी? नहीं, वो अकेली रहती थी काफ़ी साल से, अपने घर में, घर है उनका पीछे राजपूत छात्रावास के पीछे, वहाँ पर अकेली रहती थी, बहुत काफ़ी सालों से रहती थी। अच्छा, आपको बीमारी थी या कोई और आशंका लगती है आपको, कैसे पता लगा आपको? हमको पता तो मेरे पापा ने बताया मुझे, मेरे पापा को जो पुलिस वालों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसके हिसाब से मालूम चला, अमृतसर से मालूम चला, उनसे मेरे को मालूम चला। क्या करते हैं आपके पिताजी और आपकी माताजी, क्या करती थी? मेरी माताजी तो कुछ नहीं करती थी, उनके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह था, घर प्रॉपर्टी वगैरह। मेरे पापा जो हैं अभी ज़्यादा मतलब समाज सेवा वगैरह ज़्यादा करते हैं, उससे पहले कमीशन एजेंट हैं टेक्सटाइल। सरिस्का बाग परियोजना में दिखते नज़ारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। सरिस्का के कालागुआ जंगल में शुक्रवार दोपहर बाद पर्यटकों ने बाघ द्वारा सांबर के शिकार की कोशिश को देखा। सफारी के दौरान सरिस्का में भ्रमण के लिए गए इन पर्यटकों को पानी पी रहे बाघ की साइटिंग हुई। यहाँ कुछ सांबर भी पानी पीने आए थे, जिन पर हमला करने के लिए बाघ ने प्रयास किया, लेकिन सांबरों ने भागकर अपनी जान बचा ली। अलवर में हज पर जाने के लिए 214 आवेदकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, हालांकि अब 212 लोग हज पर जाएंगे। अलवर शहर में अग्रसेन सर्किल के समीप स्थित मस्जिद में इनकी मेडिकल जांच की जा रही है, साथ ही टीके लगाकर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। राजस्थान से 3,977 आवेदक हज के लिए जाएंगे। अलवर हज प्रभारी अब्दुल हकीम खान ने बताया कि 21 तारीख से पहले जयपुर से इन आवेदकों को भिजवाया जाएगा। 212 हाजियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनके टीके और मेडिकल जांच हुई, और इनका टीके लगा करके इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट। पूरे राजस्थान से 3,977 हाजी है जो इस साल हज के लिए जाएंगे। अलवर से 214 हाजी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमने 212 क्या किया, और इनके हाँ टीका फिटनेस कैंप और वो लगाएगा, अभी जाने का अभी हमारे पास शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह 21 तारीख से पहले फ्लाइट होगी जयपुर से। आज मेडिकल टीम
में लगाई हुई है, जांच हो रही है। इसमें 212 रजिस्ट्रेशन हुआ है तथा 128 की जांच रखी गई है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनके जो है इन्फ्लुएंजा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस और कुलोरी दी जा रही है, और जिनकी 60 साल से नीचे उनको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस और कुलोरी दी जा रही है। ये सर ये जो है 4-5 दिन का इंसिडेंट है हमारा, और जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे फिर हमको अगले सोमवार को लगातार। जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने कहा है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं अलवर सहित राजस्थान की सभी 25 सीटें भाजपा जीत रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद किसानों में खुशी है। साथ ही उनके पौत्र राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह ने अलवर में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव के समर्थन में जनसभा की थी। राजस्थान और यूपी में भाजपा को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से गठबंधन का लाभ मिल रहा है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में मेरा विचार यह है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीतेगी, अच्छे मतों से जीतेगी, और आदरणीय भूपेंद्र जी यादव यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो निश्चित रूप से विजयी होंगे। राजस्थान में जहाँ तक 25 सीटें हैं, जिनमें 25 की 25ों में मतदान हो चुका है, दो चरणों में यहाँ मतदान हुआ, एक में 12 सीटें थी, एक में 13 सीटें थी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि राजस्थान में भी बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, और 25 की 25 ही सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, और देश में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरे देश में बीजेपी का माहौल है। जयंत चौधरी के अलवर आने से समस्त किसान वर्ग में बहुत उत्साह था, और उनके कहे से यहाँ बीजेपी को वोट डाला और भूपेंद्र यादव को वोट डाला। उनके आने से अलवर ही नहीं, पश्चिमी यूपी में भी 8-10 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, और वहाँ से इनके भी आरएलडी के भी दो प्रत्याशी बिजनौर और बागपत से लड़ रहे, वो भी निश्चित रूप से सांसद का चुनाव जीतेंगे। अलवर शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लीली यादव ने भाजपा पर झूठे वादों और जुमलों के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि इस कारण जनता लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान कर रही है। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीटें मिलने का दावा करते हुए कहा कि केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शहर महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के अनुसार लोगों ने दो बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने जनता के साथ धोखा किया। मुद्दे काफी रहे, झूठ सबसे पहले तो बीजेपी का जो झूठ का मुद्दा इन्होंने बनाया था, झूठ बोल के ये सत्ता में आए थे, वो जनता को समझ आ चुका और वो झूठ को नकार के वो दोबारा कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। कई बार बोल चुके हैं, वैसे तो कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, पर जनता ने तो दो बार चढ़ा के देख लिया, मिला कुछ नहीं, तो दोबारा बस ये झूठ ही रहा कि इन्होंने अच्छे दिन काले धन काला धन अच्छे दिन के जो इन्होंने 15 लाख महिलाओं की सुरक्षा मुद्दे इतने हैं कि आप जनता को सारे जनता को समझ आ चुकी है कि सिर्फ इनके पास झूठ के अलावा बोलने के अलावा कुछ नहीं है, और जनता दोबारा से कांग्रेस सरकार कांग्रेस को ही चाहने लगी है। गर्मी के मौसम के साथ ही बाजार में तरबूज भारी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय दुकानदार राजेश शर्मा ने बताया कि अलवर के अलावा भारी स्थानों के तरबूजों को ग्राहक पसंद कर रहे हैं। जिस दिन तेज गर्मी पड़ती है तरबूज ज्यादा बिकते हैं, वहीं गर्मियों में तरबूज खाना सेहत के लिए बेहतर माना जाता है। तरबूज के हिसाब वैसे मौसम से 2-3 दिन से मतलब दुकानदारी थोड़ी नॉर्मल हो रही है सर, तरबूज की मतलब बिक्री सही चल रही है। कहाँ का माल है? ये सब गंगापुर का है, मच्छीपुरा। क्या भाव चल रहा है? 20 रुपए किलो चल रहा है सर। लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया माल आ रही है, बिल्कुल लाल चट तरबूज है, कोई मतलब तरबूज के अंदर कोई मतलब नहीं आ रही है, जो फर्स्ट तोड़ का माल आ रहा है, 4.5 किलो है। मीठा है? हाँ बिल्कुल मीठा तरबूज। सरकार और जलदाय विभाग के दावों के बाद भी पेयजल व्यवस्था चरमरा रही है। चुनाव में ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रमुख दलों में खींचतान चली। यह योजना तो वर्षों में क्रियान्वित होगी, लेकिन लोगों को तत्काल पानी चाहिए। ऐसे में गर्मी बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं रोड जाम किए जा रहे हैं। अलवर के वार्ड 32 स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों ने आक्रोशित होकर जयपुर रोड जाम कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते, इसी के चलते 3 माह पूर्व हुई बोरिंग चालू नहीं हो पा रही। अधिकारी बहाने बनाकर कनेक्शन लगवाने से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में जयपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया गया। सुनते हैं क्या कह रहे हैं स्थानीय नागरिक ओम प्रकाश और सुरेंद्र भारतीय एवं क्षेत्रीय पार्षद बीरन नरुका।
ऐसे बताइए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बोर हुआ है और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पानी की इतनी भारी समस्या है कि हर घर में डेली लगभग टैंकर डलता है। अब जलदाय विभाग ये चाह रहा है कि यहाँ का पानी अन्य कॉलोनियों में सप्लाई करें और इस कॉलोनी वाले जैसे आज परेशान है ऐसे फॉर फ्यूचर में परेशान रहे। इनके पानी की समस्या का समाधान करने के बनस्पत और परेशानी पैदा करना चाह रहे तो कॉलोनी वासियों की मांग है कि जो यहाँ का पानी है पहले यहाँ की पूर्ति की जाए। अगर पानी एक्सेस बचता है तो दूसरे को दे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले कॉलोनी में पानी की सप्लाई की जाए। जी कब से आ रही समस्या ये? मैं 2014 से यहाँ रह रहा हूँ, एक भी बूंद पानी अब तक हमारे यहाँ नहीं आया। गर्मियों के दिनों में मुझे 6-7 टैंकर पानी मंगाना पड़ रहा है। पूरी जनता पूरे कॉलोनी वाली पानी की वजह से बहुत अधिक परेशान है। बार बार यहाँ बोरिंग हो चुकी है, अन्यत्र पानी चला जाता है और इस कॉलोनी की कोई शुद्ध नहीं है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पानी की समस्या जब से कॉलोनी बसी 20 साल से बहुत है, यहाँ इसमें पानी नहीं आता, सारी पब्लिक परेशान है। अब यहाँ पर बोरिंग करवा दी है, मेरे साथ की तरफ से बोरिंग हुई है, लेकिन वो 2 महीने ढाई महीने हो चुका है, उसका मिला पानी और कनेक्शन नहीं हुआ है। अब इन लोगों ने मोटर डाली है, शायद वो मोटर खराब है या पानी नहीं आ पा रहा, क्या कारण है? हाँ पहले भी किया था, पहले भी हो चुका है, बराबर कंटिन्यू हो रहा है। अब इसमें मोटर उन्होंने 3 दिन पहले यहाँ आए थे, उन्होंने डाला है, हम कर देंगे। अब वो 3 दिन बाद 4 दिन हो गया नहीं हुआ, आज शाम तक हम घूमने के और इलेक्शन साथ पास गए, उन्होंने कहा आज हम शाम को इस मोटर को दिखा देंगे और इसका कनेक्शन करवा देंगे। अभी तक कोई नहीं आया, ये सारी पब्लिक सुख गए 3 महीने से खड़ी, इसलिए ये आवेश में है, गुस्से में है कि हमको बार बार कहाँ जा रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। उधर पुलिस एवं जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनके आश्वासन के बाद रास्ता खोल दिया गया। अलवर के अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल प्रांगण में पौधे रोपे। उन्होंने वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा प्रतिदिन पौधरोपण से प्रेरणा लेते हुए यह कदम उठाया। विद्यालय में लगाए गए 5 पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने ली है। इस दौरान विद्यालय समिति मंत्री राजेंद्र कुमार गुप्ता, अनिल कुमार सिंगल, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा, इंद्र कुमार गर्ग, सुरेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा और कृष्ण यादव आदि उपस्थित रहे। राजस्थान हाईकोर्ट के स्थापना की प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है। समारोह में टूर्नामेंट के दौरान अलवर बार एडवोकेट की महिला क्रिकेट टीम कप्तान रिंकी वर्मा मैच ऑफ द क्वीन रही, साथ ही अलवर बार महिला टीम स्टेट विजेता रही है। जयपुर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिनी व्यास ने इस टीम को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटेल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम राजगढ़ की, जहां गुगदौड़ मनसा माता में हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापना का 3 दिवसीय कार्यक्रम महंत बालक दास के सानिध्य में संपन्न हुआ। वहीं इसके तहत हनुमान जी महाराज की मूर्ति को नगर भ्रमण करवाया गया। इस दौरान महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई, साथ ही झांकियां और बैंड बाजे भी शामिल रहे। प्रमुख बाजारों से होते हुए शोभा यात्रा मनसा माता के मंदिर प्रांगण में पहुंची। इसके बाद जय हनुमान और जय मनसा माता के जय घोष गूंज उठे। हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद हवन हुआ। वहीं मनसा माता व हनुमान जी की महाआरती कर भोग लगाया गया। इस मौके पर भंडारे में 5 गांवों के लगभग 3,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वही मनसा माता मेला कमेटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। मनसा माता का अति प्राचीन मंदिर फिरोजपुर गुगड़ोद में स्थित है। श्रद्धालुओं और आसपास के ग्रामीणों की इच्छा थी कि मनसा माता के दरबार में ही हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की जाए, जिसका सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 24 तारीख से 26 तारीख तक 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई। 25 तारीख को सभी 5 गांवों में होकर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। 26 तारीख को इस मौके पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई हजार लोगों ने प्रसाद लिया। हनुमान जी का रूप की कृपा से प्रसाद इतना बच गया कि दूसरे दिन बच्चों को भी वितरित करने का प्रोग्राम रखा गया। ब्रजवासी गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मदास महाराज के निर्देश पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए हर व्यक्ति को एक गाय घर में पालने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं धर्मदास महाराज के जयपुर आगमन पर अलवर से भी अनेक प्रतिनिधि पहुंचे। इस मौके पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा पारिक और राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश कुमार पारिक, जिला अध्यक्ष नागपाल शर्मा आदि मौजूद रहे।
मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित सरकारी अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इन्हें वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। बढ़ते तापमान और तेज गर्मी के मध्य रोगियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अस्पताल में महिला और पुरुषों के लिए अलग से वार्ड नहीं है। उधर उपखंड कार्यालय की ओर से अभी तक मालाखेड़ा क्षेत्र में मौसमी बीमारियों की रोकथाम सहित बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर कार्य योजना नहीं बनाई गई है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के भूमि धारक सदस्य किसानों को इन दिनों फैसले लेना मुसीबत का सबब बन रहा है। सहकारिता विभाग के मंत्री और आला अधिकारियों ने विशेष रूप से एक बीमा कंपनी से करार कर रखा है। किसानों से फसली बीमा की मोटी प्रीमियम राशि वसूली जाती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता है। सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर यह भी निर्धारित कर रखा है कि फसली ऋण की प्रक्रिया तभी जारी रहेगी जब आवेदक बीमा करने के विकल्प पर हाँ करेगा। ऐसा नहीं करने पर उसे ऋण की प्रक्रिया से वंचित रहना पड़ता है। सहकारिता विभाग में अपेक्स बैंक की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति तक ऋण पहुँचता है, लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन एक सब के लिए सब एक के लिए की तरह पर हुआ है, लेकिन असली ऋण लेने वाले किसानों को अब बीमा कराने के लिए भारी भरकम रकम चुकानी पड़ रही है। ऑनलाइन ऋण वितरण की व्यवस्था को लेकर जब तक बीमा कंपनी से MOU पर यस नहीं किया जाता है, तब तक किसान को ऋण के लिए आगे पत्रावली प्रेषित नहीं होती है। इस प्रकार से ज़बरदस्ती से किसानों के ऊपर बीमा कराने की प्रक्रिया को थोपा जा रहा है, जिससे किसान वर्ग में काफ़ी नाराजगी है। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 3 विद्यार्थियों का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में चयन हुआ है। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल बालेटा के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की प्रतियोगी परीक्षा में निखिल गुप्ता ने सामान्य श्रेणी में 97% से अधिक अंक अर्जित किए। साथ ही अभय वर्मा ने SC वर्ग में 82% एवं यशवंत यादव ने OBC वर्ग में 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष विधायक टीकाराम जूली तीनों विद्यार्थियों की सफलता पर बधाई देने के लिए मालाखेड़ा पहुंचे, साथ ही इसे अध्यापकों द्वारा कर्तव्य के सही ढंग से निर्वहन का परिणाम बताया। स्टेट हाईवे 44 पर मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन से मेगा हाईवे तक जगह जगह से सड़क क्षतिग्रस्त है। इसी के चलते यहाँ कोल्ड ड्रिंक से भरी एक गाड़ी पलट गई। उधर ग्रामीणों की शिकायत पर नेता प्रतिपक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक टीकाराम जूली शुक्रवार को मालाखेड़ा पहुंचे। उन्होंने कार्य कर रहे ठेकेदार को मौके पर बुलाकर दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह और उपाध्यक्ष शिवचरण भलाई, नरेंद्र पटेल, नरेंद्र मीना, चावन राम और हरिओम पटेल आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सड़क के दोनों ओर गहरे गड्ढे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अराजकता एवं विकास विरोधी माहौल बना हुआ है। और अब बात नीम राणा की, जहां पुलिस थाने में एक अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा भद्रता का आरोप लगाते हुए बार संघ ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया, साथ ही पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है। नीम राणा बार संघ अध्यक्ष अजयपाल सिंह ने बताया कि अधिवक्ता अशोक कुमार 3 दिन पहले बेटे से मारपीट होने की रिपोर्ट लेकर पुलिस थाने में गए थे। आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता के कपड़े उतार कर लॉकअप में बंद कर दिया। वहीं बार संघ ने दोषियों को निलंबित एवं APO किए जाने एवं रिपोर्ट दर्ज करने की मांग उठाई है। परिवार के साथ झगड़ा हुआ था पड़ोसी से, उसकी मैं तहरीरी रिपोर्ट देने आया था। उस समय दूसरी पार्टी भी वहां आ गई थी। उस पार्टी को पहले तो उसने धमकाया महेंद्र CI साहब ने। धमकाने के बाद उस चोरे से कहा कि कुत्ता पालने का लाइसेंस है, तो वो बोला नहीं, तो उसको अंदर कर दिया। जस्ट थोड़ी देर बाद वो मेरे ऊपर कहा वकील आप अंदर चलो। मैं बोला सर मेरा दोस्त क्या है, नहीं आप अंदर चलो। मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले जाया गया। ले जा करके कहा कि इनके कपड़े उतराओ। कपड़े उतरा करके और मुझे हवालात में डाल दिया गया। हवालात में डालने के बाद मैं बीमार था, काफ़ी रिक्वेस्ट की महेंद्र जी से और जगदेव जी और सुरेश जी, सर मैं बीमार हूँ, मेरी हालत ख़राब है, मेरा जी घबरा रहा है, 2 मिनट मुझे बाहर निकाल दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकालने से मना कर दिया, उल्टा ही धमकाया, अच्छा चुपचाप पड़ा रहे, यहाँ अच्छे अच्छे मुझे कराते हैं। उसके बाद
वकील साहब आए साथी, उन्होंने जाकर के उनको कहा, कहने के बाद मेरी जमानत करवा, यहाँ एक साथी क्या उनमें और मैं अपने घर आ गया। आज पूरी बार ने मीटिंग ली है, उस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि ढिलोरिया साहब के साथ अन्याय हुआ है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हम एसपी साहब से मिल गया है। एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आपके खिलाफ अन्याय हुआ है, हम आपके न्याय करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि सब वो महिला 354 का मुकदमा लेके आई थी और उसको बचाने के लिए मैंने वकील साहब को अंदर किया था। दोनों पार्टियों को इनको बुलाया गया, वकील साहब के बच्चे के साथ में इनके पड़ोसियों ने मारपीट की थी, उस प्रकरण को लेकर ये थाने पर तहरीर रिपोर्ट लेकर गए थे। इनको SHO साहब ने फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया और जब वो ऑफिस में बैठे थे, ऑफिस में इनको या दोनों पार्टियों को किसी को बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया। बाहर थाने के थाना परिसर में आकर इनकी बेइज्जती करी गई और इनको अनायास गाली गलौज किया गया और इनको अंदर हवालात में डालने की धमकी दी गई। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि साहब इनका पहले से कुछ चल रहा है, पहले भी FIR लग चुकी है। उन्होंने कहा वकील साहब आप इस मामले में कुछ मत बोलिए, और इनको अंदर डाल दिया गया, इनके कपड़े उतरवा लिए गए, गाली गलौज से पेश आए और कहा कि इसको हवालात के अंदर डाल दीजिए। मैंने आकर बार एसोसिएशन में नीमराणा में सभी वकील साहबों को बताया और हम बार एसोसिएशन के सदस्य जाकर वहाँ इनको 157 में वहाँ से लेकर आए और SDA कोर्ट नीमराणा में इनकी जमानत कर गई। उधर इस अवसर पर विजय चौहान, अशोक पनवाल, इंद्र सिंह, राम निवास, योगेंद्र सिंह और अरविंद यादव आदि मौजूद रहे। अकबरपुर कस्बे में शनिवार को महिलाओं ने सामूहिक रूप से चौथ माता की पूजा अर्चना कर उपवास किया, वहीं चांद देखकर उपवास खोला जाता है। इस मौके पर सामूहिक रूप से पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की गई और दिशा खोली गई, साथ ही घर में सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। उपवास के दिन तो ली, पड़वा के दिन तो ली हो रही मंगली जब, और आज खोली है, आज का शनिवार है। वैसे पूजा वूजा कैसे करी है? मैं जब पीपल की करी और पीपल में हल्दी की गांठ की और टी को काटो और जो बना के सामान ले आया, जो को भोग लगाए, पीपल के भी लगाए और जिसा माता में धरे, 5 बाल धरी है वहाँ में और पतासा, हम जो पतासा धरे हैं और जिसा माता का डोरा, आज जो डोरा धरे हैं, दो डोरा घर रखे हैं, एक कनक की एक दस्तार की गांठ की। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम परिवर्तन देखने को मिला है। शुक्रवार देर शाम को तेज हवाओं के साथ कुछ देर बूंदाबांदी हुई, साथ ही शनिवार को भी आसमान में बादल देखे गए। इसके अलावा गर्मी से आंशिक राहत मिली है, वहीं अच्छी बरसात होने पर ही किसान अपने खेतों की जुताई कर सकेंगे। कल बरसातें आई थी शाम को, इसलिए थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है, लोगों को राहत मिली हुई है, किसानों को भी राहत है। अगर अच्छी बरसात हो जाए तो अपने खेतों को जोत लेंगे और मौसम में काफ़ी खुशनुमा हो रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा 5वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जा रही है। यह परीक्षा 30 अप्रैल से प्रारंभ होगी। मयूमरैन ब्लॉक में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ब्लॉक में कुल 547 सरकारी एवं निजी विद्यालय हैं, साथ ही प्रश्न पत्रों को थानों में रखवा दिया गया है। इस बारे में शिक्षा अधिकारी कमलेश गुरु ने जानकारी प्रदान की। कक्षा 5वीं बोर्ड का आयोजन 30 अप्रैल से किया जा रहा है। इस क्रम में सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र थानों में रखवा दिए गए हैं और 30 अप्रैल को कक्षा 5वीं की बोर्ड आयोजित होगी। इस उमरैन ब्लॉक में कुल 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सरकारी और गैर सरकारी कुल 547 विद्यालयों के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। सर व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी? क्या व्यवस्थाएं? सभी केंद्राधीक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, सभी केंद्रों पर बैठक व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं और सभी थानों पर प्रश्न पत्र पहुँचा दिए गए हैं। कक्षा 5वीं बोर्ड में यूँ तो नकल बच्चे करते नहीं हैं, पर फिर भी पूरे प्रयास किए गए हैं कि बच्चों का सही आकलन हो। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। रेप के दोषी फलारी महाराज को 20 दिन का मिला पैरोल। छत्तीसगढ़ की युवती से दुष्कर्म के आरोप में हुई थी उम्र कैद, जेल से बाहर आने के बाद कह रहे एकांतवास। 20 लाख के मोबाइल बोरियों में भरकर किए पास, CCTV कैमरे में कैद हुई भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में हुई चोरी।
गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों को चपेट में ले रही है मौसमी रोग। चिकित्सकों ने हीट वेव से बचने और ज्यादा पानी पीने की दी सलाह। और ज्यादा शराब पीने के बाद ई रिक्शा चालक ने तोड़ा दम। कटी घाटी क्षेत्र का निवासी था मृतक। वहीं पुश्तैनी जमीन के लिए हमले में 5 हुए घायल। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।